आई एम सैयद राशिद फ्रॉम अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. वेलकम टू माई क्लास टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट एज वेल एज द व्यूअर दोज हु आर व्यूइंग. टूडे आई विल गोइंग टू टेक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर फिजिक्स एंड द टॉपिक नेम इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड. सो हियर वी कैन से लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव और साउंड वॉट एवर यू आर सेइंग. ओके सो फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आई विल जस्ट राइट वेव hear sound also. So today we will going to learn this topic. As you know the student, this topic is one of the important topic. If you are looking to learn three important thing with us, the three important thing with us is nothing but echo, okay, reverberation, and we have one more vast topic name as Doppler effect, okay. And this Doppler effect, once we have done this thing, we will going to learn deeply about in Doppler effect. Now look at the board students and all those who are viewing. Reflection of wave or sound. Now I wrote the definition as you can see on the board. The property of sound which bounces back the surface of which it falls is known as reflection of sound. Here you can say like reflection of sound or reflection of wave also we can call it as. Now I will explain simply in our Hindi language as you can see. देखिए अगर चिके यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, सरफेस के ऊपर साउंड आके फॉल हो रहा या वेव आके गिर रही, वॉट एवर इट मे बी, ओके, जैसा ही ये टच हो जाएगी, टच होने के बाद क्या होता, दिस वेव और साउंड वेव वॉट एवर इट मे बी बॉम्ब्स बैक, ठीक है, बैक हो जाएंगे. तो इस जो प्रॉपर्टी है साउंड की या वेव की उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव के, बहुत आसान है, एज यू कैन सी द डेफिनेशन, टू सिंपल, यू नीड टू कॉपी ऑल्सो दिस डेफिनेशन. नाउ आई विल गिव यू टू केसेस विथ अवर ट्रांसफर वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. मेक श्योर स्टूडेंट वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेव्स विथ अस, लाइक प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टैंडिंग वेव्स. प्रोग्रेसिव वेव अगेन कंसिस्ट ऑफ लाइक ट्रैवलिंग वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, वेर एज स्टेशनरी वेव्स इज नथिंग बट वेन टू प्रोग्रेसिव वेव्स मीट इन ऑपोजिट डायरेक्शन स्टेशनरी वेव्स फॉर्म्स एज वी हैव ऑलरेडी लर्न इन अवर प्रीवियस सेशन. नाउ आई एम गिविंग यू टू केसेस, ओके, नाउ कमिंग टू दी केस वन एंड केस टू. वॉट इज केस वन स्टूडेंट, वॉट हैपन, वी विल अज्यूम इन केस वन इफ दी वेव्स इज ट्रैवल फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम. ओके सो वॉट इज डेंसर मीडियम एंड वॉट इज रेयरर मीडियम आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू. रेयरर इज नथिंग बट समथिंग सॉफ्ट, ओके, समथिंग विच इज नॉट टू टफ और हार्ड. एंड डेंसर, डेंसर इज नथिंग बट द थिंग विच इज हार्ड, ओके, इज नोन एज डेंसर. नाउ आई विल टेल यू वन सिचुएशन, ओके, सिचुएशन इज नथिंग बट हियर वी हैव वन ग्लास ऑफ वाटर विथ अस, ओके, वी हैव वाटर इन दी ग्लास एज यू कैन सी ऑन द डायग्राम. आई एम जस्ट ड्रॉइंग द रफ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू द डिफरेंस बिटवीन डेंसर एंड रेयरर मीडियम. ओके, यू नो दैट दिस इज वाटर, ओके, फ्रॉम हियर वी अज्यूम दैट वाटर. वॉट इज द अबव वाटर, इट इज एन एयर, ओके, दिस इज एयर, दिस इज वाटर. सो हियर वी विल कंसिडर दिस ग्लास ऑफ वाटर कंसिस्ट ऑफ टू मीडियम, वन मीडियम कंसिस्ट ऑफ एयर, अनदर मीडियम इज वाटर. द मीडियम विच कंसिस्ट ऑफ एयर इज नथिंग बट अ रेयरर मीडियम, ओके, विच इज नॉट टू टफ, एंड द थिंग विच इज कंटेन विथ वाटर दिस इज कॉल्ड एज डेंसर मीडियम. होप यू गॉट द क्लियर अबाउट रेयरर एंड डेंसर मीडियम. देखिए स्टूडेंट, जो रेयरर मीडियम होता है वो ज़्यादा सख्त नहीं होगा, नरम होगा, सॉफ्ट होगा, वेर एज डेंसर मीडियम थोड़ा सा सख्त होगा. जैसा कि अब ये रूम है, रूम में मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हमारे पास एयर है, एयर क्या हो जाएगी, रेयरर मीडियम में आ जाएगी, ठीक है. वेर एज अगर मैं, ये बोर्ड है, मेरी आवाज़ जाके ऐसा बोर्ड पे टच हो रही है, जो बोर्ड क्या हो जाएगा मेरे लिए, डेंसर मीडियम हो जाएगा. आ रहा समझने? तो देखिए केस वन में हम क्या करेंगे, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वेव्स है ट्रैवलिंग वे में, जैसा कि आप जानते हैं, एक ट्रांसफर वेव्स रहता हमारे पास और एक एक लॉन्गिट्यूडनल वेव रहता, ठीक है. ट्रांसफर वेव्स क्या होता, देखिए स्टूडेंट, अब ये एक मीडियम है डेंसर और ये है रेयरर. हम केस वन में क्या, किसकी बात कर रहे हैं, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम की बात कर रहे हैं. तो जैसा ही ये आपका ट्रांसफर वेव्स है, बन रहा जाके टच हो गया ना, टच होने के बाद क्या होता बोल तो, आफ्टर टचिंग दिस व्हाट हैपन, इट्स क्रस्ट बिकम ट्रफ. एज यू नो दैट वी हैव टू थिंग्स लाइक क्रस्ट एंड ट्रफ, आपको मालूम है. तो ये जो क्रस्ट रहता है उसका, ये जो जैसा ही क्रस्ट यहाँ पे टच हो जाएगा तो ये बन जाएगा ट्रफ में बन जाएगा, ओके, होप यू गॉट अंडरस्टूड, जो क्रस्ट रहता है वो ट्रफ में बन जाएगा. तो ये हो गया आपका ट्रांसफर वेव्स की बात. नेक्स्ट है वी हैव
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या रहता है आपके पास, ठीक है, ये कंप्रेशन है, ये आपका रेयरफैक्शन है, ठीक है, अगेन ये आपका कंप्रेशन है, ओके, फिर ये आपका रेयरफैक्शन है। जैसा ही ये यानी कि टच होगा यहाँ पे डेंसर मीडियम को, इस केस में क्या हो जाएगा, आपको जो कंप्रेशन था वो कंप्रेशन ही रहेगा, यानी कंप्रेशन जैसा ही बोर्ड पे ऐसा टच हो गई लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसा वो कंप्रेस था कंप्रेशन की वजह के जैसा ही वापस लौटेगा। तो ये जो आपका केस वन है, वी आर जस्ट हिटिंग लाइक ट्रांसफर वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव ऑन एन डेंसर मीडियम। कंक्लूजन दे रहा हूँ मैं कि जैसा ही ट्रांसफर वेव डेंसर मीडियम को टच होती, उसका जो आपका क्रस्ट रहता वो क्रस्ट बदल जाएगा ट्रफ में, वेयर एज लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर रेरर मीडियम से डेंसर को टच होगी तो उसका कंप्रेशन क्या रहेगा, कंप्रेशन ही रहेगा। तो ये हो गया केस वन। केस टू की अगर बात करूंगा मैं, सपोज अगर ये डेंसर मीडियम से अगर उन्हें रेरर मीडियम की तरफ जाती है, ठीक है, डेंसर से रेरर मीडियम की तरफ जाती तो क्या होता, यहाँ पे क्वाइट उल्टा हो जाएगा स्टूडेंट। दैट मीन्स अगर ये आपका वॉट यानी कि हेयर है, यहाँ पे ये आपका पूरा वॉल बने हुआ है सपोज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, यहाँ से कोई सपोज वेव निकल के यहाँ पे जा रही, जैसा कि आप ये सोर्स ऑफ साउंड है। केस टू की हम बात करेंगे कि अगर डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम की तरफ वेव जा रही, सपोज दिस इज एन वी हैव ट्रांसफर वेव्स विद अस, ठीक है, ये ट्रांसफर वेव्स है, यहाँ पे उसका सोर्स है, एक वेव्स इमिट हो रही यहाँ से निकल के डेंसर से रेरर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका जो क्रस्ट रहेगा क्रस्ट ही बना रहेगा। तो ये आपका ट्रांसफर वेव्स की बात है। सेकंड, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की अगर हम बात करेंगे, तो अगर ये सेम यहाँ से सोर्स है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स यहाँ से निकल रही है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेक्शन रेयर फ्रैक्शन रहेगा, तो जब ये डेंसर से रेरर की ओर को निकलेगा तो उसका कंप्रेशन क्या हो जाएगा, रेयर फ्रैक्शन हो जाएगा। तो ये आपका यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स के बारे में एक थीरी पार्ट छोटा सा यानी कि मैं आपके स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। सो फर्स्ट लुक एट दी रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, उसका डेफिनेशन रहेगा, केस वन केस टू रहेगा। नाउ द टाइम टू सी दी आंसर ऑन योर स्क्रीन नाउ। स्टूडेंट होप यू हैव सी द थियोरी पार्ट रिलेटेड टू द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइक एंड वी हैव सी द केस वन एंड केस टू ऑल्सो। नाउ वी विल मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक। बिकॉज ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमारे पास एको जनरेट होता है। एको किसको कहते हैं, एको का एक फॉर्मूला होता है सिंपली, यानी कि एको इजिकल्स टू आपका 2D इजिकल्स टू जो आपका यानी कि ये तो डिस्टेंस है, 2D इंटू आपको टाइम रहेगा लाइक स्पीड ऑफ साउंड। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है एको को लेके, 2D, 2 यहाँ क्या है, 2 है, D से डिस्टेंस है, स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड यूजुअली हमारे पास 330 मीटर्स पर सेकंड लेंगे हम, इंटू टाइम। एको के लिए जो मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड रहता है वो 0.1 सेकंड रहता है। तो 2D इजिकल्स टू आपको 330 मीटर्स पर सेकंड इंटू 0.1, तो D इजिकल्स टू क्या हो जाएगा आपको 330 इंटू 0.1 बाई 2 हो जाएगा, तो D इजिकल्स टू आपका 33/2, D इजिकल्स टू आपको हो जाएगा लाइक नियरली 16.5 और यू कैन से इट एज 17 मीटर्स, ये जो है मीटर्स। तो अगर आपको एको सुनना है आपके और डेंसर मीडियम के जो दरमियान है, द डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द डेंसर मीडियम मस्ट बी लाइक मिनिमम 17 मीटर्स। तो ये एको को लेके एक छोटी सी थ्योरी है, आपको यहाँ से लेके देखिए यहाँ तक एको को लेके कॉपी करना है। पहले आप लिखिए एको फार्मूला, साइड हेडिंग क्या बनाएंगे, ECHO, यहाँ पे मैं स्पेलिंग लिख देता हूँ ECHO, मेक श्योर मेड दी साइड हेडिंग एस एको फार्मूला। एको फार्मूला इज 2D इजिकल्स टू स्पीड ऑफ साउंड इंटू टाइम, हियर D इज नथिंग बट, यहाँ पे लिखिए आप D इज नथिंग बट डिस्टेंस, ओके, एंड स्पीड ऑफ साउंड इज नथिंग बट एज यू कैन राइट द स्पीड ऑफ साउंड इज लाइक स्पीड बोलते हम वेलोसिटी को बोलेंगे, तो V क्या होगा 330 मीटर पर सेकेंड, इनके सम केसेस में क्या होगा वो 331 मीटर पर सेकेंड भी लेंगे, आप जो चाहे वो ले सकते। और यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड कितना होना चाहिए, 0.1 सेकेंड जो है टाइम रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे आप लिख सकते इको लिखने के बाद फॉर्मूला लिखने का, तो उसको डिस्क्राइब करिए, डी डिस्टेंस, वी से वेलोसिटी है जो 330 मीटर पर सेकेंड और 331 मीटर पर सेकेंड, टी से टाइम है 0.1 सेकेंड है,
इसको कैलकुलेट करने का, जो हमारा डी आ जाएगा 16.5 मीटर या फिर आप 17 मीटर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ईको, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रीवैबरेशन। कभी आप वर्ड सुना होगा रीवैबरेशन, ठीक है। रीवैबरेशन क्या बोलेंगे, 2D का हाफ होता है ये, यानी कि अगर 2D आपको 17 मीटर है तो रीवैबरेशन आपका हो जाएगा 8.5 मीटर। अगर आपका डिस्टेंस आपके आपके और डेंसर मीडियम के दरमियान 8.5 मीटर है तो आवाज़ रीवैबरेशन इज नथिंग बट, हमारे नॉर्मल हिंदी भाषा में बोलना कि आवाज़ गूंजती बोलते, देखो आवाज़ एक तरफ से गूंज होना तो वो रीवैबरेशन हो गया। अब आप आवाज़ वापस लौटेगी, जो आपने बोला था वही वापस लौटा तो वो हो गया इको। दैट मींस दी रिटर्न साउंड अगर आया तो वो क्या हो गया, एको हो गया। अगर चेके रिवैबर हो रहा, यानी कि रिवैबर फिर से वाइब्रेट हो रहा है, यानी गूंज रहा वो, तो रिवैबरेशन होता। तो होप यू अंडरस्टैंड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको एंड रिवैबरेशन। मेक श्योर स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक, ओके। जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही डेप्थ है, बहुत मेहनत करना है उसके ऊपर। द नेक्स्ट टॉपिक इज नथिंग बट डॉपलर इफेक्ट, ओके। डॉपलर इफेक्ट अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यू हैव डन विथ केस वन एंड केस टू, एंड यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड एको एंड रिवैबरेशन। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेम एज डॉपलर इफेक्ट। मेक श्योर स्टूडेंट, दिस डॉपलर इफेक्ट इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट टू फॉर 8 मार्क्स। 8 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है ये। तो वॉट इज डॉपलर इफेक्ट, श्योरली आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, बट मोस्टली इन दिस टॉपिक आई एम यूजिंग हिंदी लैंग्वेज। बट डोंट वरी, आई विल गोइंग टू गिव यू परफेक्ट नोट्स अबाउट दिस टॉपिक इन इंग्लिश, ओके, वंस वी हैव कंप्लीटेड आवर टॉपिक। सो नॉट द टॉपिक नेम इज डॉपलर इफेक्ट, एज यू सी आई ऑलरेडी रोट द डेफिनेशन ऑन बोर्ड। वॉट इज डॉपलर इफेक्ट स्टूडेंट, लुक एट द बोर्ड। वेन सोर्स ऑफ साउंड एंड द ऑब्जर्वर आर इन द रिलेटिव मोशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड रिसीव्ड बाई द ऑब्जर्वर सीम टू बी डिफरेंट फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाई द सोर्स। सो वॉट इज दिस मीनिंग, as you can see here, I am supposing when a source of sound and the observer, there is a source of sound here, suppose, okay, this is a source of sound, I am writing this as source, okay, this is source, we have two observer on either side, you can just imagine this as one observer on the right hand side, like x you can say here, and one more observer on the left hand side, as you can imagine this as Y, okay, they are observer are in relative motion. Suppose they are in relative motion, the frequency of the sound received by the observer seem to be different from the frequency emitted by the source. That means if suppose just this observer, we might have get many cases. In this mainly we will get 4 cases, okay. Case 1 is nothing but, as you can see, source and observer both are at rest. That means source and observer both are at rest. Second case, third case and fourth case, we will get four cases. So I am going to explain you these case by case, okay. So we will learn first case one, okay. In case one, as you can see here, source and observer both are at rest. Let this source is emitting like waves from here to it will reach to our observer. Let the velocity of the wave is nothing but v, and here also v, and the velocity here by the observers it is also surely v, because they are source and observer both are at rest. So what will be the frequency, student? We know that we know one formula related to our wavelength, okay. Wavelength is nothing but we know lambda is equals to v by f, okay. Now I am making this as equation 1. This equation is very very important, you need to remember how this wave lambda is equals to v by f. This formula, as you know that we have one formula, like how this equation gets, student, lambda is equals to v by f. Student, we know that v is equals to like lambda f.
This is nothing but equation of light, equation of sound, whatever you can. So from where lambda is equals to V by F. Here the we want to get the apparent frequency of the sound. Apparent frequency of the sound here by the observer. हमको यहाँ पे क्या चाहिए, लैम्बडा की वैल्यू तो हमारे पास है, लैम्बडा यहाँ पे वेवलेंथ है, वी वेलोसिटी है, एफ फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमको चाहिए कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी अपेरेंट क्या है जो ऑब्जर्वर ने सुना था। तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा स्टूडेंट, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगी ए, लाइक ए पी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी चाहिए तो ये हो जाएगा वी बाई लैम्बडा। सो दिस इज इन फर्स्ट केस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, इट विल बी एफ ए पी इजिकल्स टू वी बाई लैम्बडा स्टूडेंट। ये हो गया आपका केस वन। तो केस वन में आपको जैसा ही आपने, अगर आपको डॉपलर इफेक्ट पूछा है तो आपको चेक करना है कि उन्हें क्या पूछेगा। पहले तो डॉपलर इफेक्ट पूछ के बोलता कि सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर रेस्ट है तो आप लिखिए बोल के बोलता, तो आपको ये लिखना पड़ता। नेक्स्ट, ये केस वन हो गया कम्प्लीटली। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट इज द केस वन स्टूडेंट। फॉर दिस एक्चुअली आई एम प्लेसिंग अ थीरी पार्ट रिलेटेड टू द डॉपलर इफेक्ट ऑन योर स्क्रीन। इन दिस स्क्रीन यू विल गेट टू थिंग्स लाइक डेफिनेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट एंड केस वन कम्प्लीटली। सो नाउ द टाइम टू सी द आंसर ऑफ डॉपलर इफेक्ट विथ केस वन ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। Next student, I am just doing one more case 2, okay? What is case 2 here? You can see source at rest and observer in motion. As you can see here, यहाँ पे क्या है, देखिए next case आपका source rest पे है, observer आपको move हो रहा। तो यहाँ पे हम एक चीज़ suppose ये करेंगे कि ये हमारा source है as it is, हमारे पास ये observer x है, whereas here observer y है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो observer x है वो आपको इधर सोर्स की तरफ आ रहा, ठीक है, इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स द सोर्स, जो है सोर्स की तरफ ऑब्जर्वर एक्स आ रहा, और उसकी जो वेलोसिटी हम सपोज करेंगे वी जीरो, यानी इट इज़ कमिंग टुवर्ड्स सोर्स। एंड ऑब्जर्वर वाइफ की अगर बात करेंगे तो इट इज़ गोइंग अवे फ्रॉम द सोर्स, सोर्स के अवे से यहाँ पे अवे जा रहा उन्हें सोर्स के। तो यहाँ पे अगेन दो केसेस बन जाएंगे स्टूडेंट के, एक आपका सोर्स, यहाँ पे सोर्स तो रेस्ट पे ही था लेकिन ऑब्जर्वर मूविंग में था, वेरस एक ऑब्जर्वर टुवर्ड्स द सोर्स आ रहा और एक दूसरा ऑब्जर्वर अवे फ्रॉम द सोर्स जा रहा। तो इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट लिख लेंगे, थ्योरी पार्ट मैं आपको डिक्टेट करता हूँ। वैसे मैं इसका जो थ्योरी पार्ट मेरे, एक्चुअली आई हैव प्रीपेयर माई ओन नोट्स और मेक श्योर स्टूडेंट फॉर एक्सप्लेनिंग द डॉपलर इफेक्ट आई एम गेटिंग रियली हार्ड वर्क, बहुत मेहनत लगी मेरे को, तो ये नोट्स मैं आपको डालता हूँ। बट फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड दिस, मैं थोड़ा सा रीड कर लेता हूँ। हियर, हियर व्हाट, हियर वी सपोज एस इज अ सोर्स, इसको हम एस नाम दे देंगे सोर्स को, एस इज अ सोर्स इज एट रेस्ट, सोर्स किस में है, रेस्ट में है, टू ऑब्जर्वर ऑन आइदर साइड, यानी कि दोनों साइड है ऑब्जर्वर एक्स एंड वाई इन मोशन, एक्स और वाई क्या है मोशन में है, वेर एस एक्स मूविंग टूवर्ड्स द सोर्स, एक्स क्या हो रहा सोर्स की तरफ आ रहा, एंड वाई इज मूविंग अवे फ्रॉम दी सोर्स, यानी कि ना सोर्स की तरफ से बाहर चले जा रहा। लेट वी बी बी द वेलोसिटीज ऑफ द ऑब्जर्वर, वी ए पी इज द चेंज इन वेलोसिटी एंड एफ ए पी इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम एक सपोज ये करेंगे, वी जीरो इसका वेलोसिटी है और आपका वी ए पी इसका चेंज इन वेलोसिटी है और एफ ए पी क्या है इसका चेंज इन फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ बोर्ड पे, एज यू कैन सी चेंज इन वेलोसिटी और ये क्या हो जाएगा चेंज इन फ्रीक्वेंसी, ये दो चीज़ें आप याद रख सकते हैं, बहुत आसान है। चलिए अब इसको लेके हम थोड़ा सा डेरिवेशन करेंगे कि क्या होगा अगर चेके चेंजेस होगा। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन लोगों की जो एक्चुअल जो वी ए पी है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी है, अगर हम ऑब्जर्वर टूवर्ड वाई, वाई वाले ऑब्जर्वर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, क्योंकि इन्हें अवे दूर जा रहा है, तो यहाँ पे वी इज इक्वल्स टू वी ए पी क्या हो जाएगा अपने को, वी जो एक्चुअल वेलोसिटी थी किसकी, सोर्स की, सोर्स की एक्चुअल वेलोसिटी थी माइनस वी ओ, वी ओ को माइनस क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे आपको जो सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है सुनने का कम हो जाएगा, तो ये उसकी वी ए पी हो जाएगी। वेरस अगर हम ये सोर्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वी ए पी इज इक्वल्स टू वी प्लस वी जीरो हो जाएगा। एज यू कैन सी
क्लियरली। तो यहाँ तक आप समझ गए, होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। तो अब इसके बाद मैं थोड़ा सा ये पार्ट रफ करके आगे का समझा देता हूँ, ठीक है। नाउ दिस इज वी ए पी इज इक्वल्स टू वी माइनस वी ओ। नाउ व्हाट विल बी द एफ ए पी फ्रीक्वेंट, यानी एफ ए पी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, वी ए पी बाई लैमडा हो जाएगा। तो एफ ए पी एज इट इज है, वॉट वी हैव वी ए पी स्टूडेंट, सेम आई एम सब्स्टिट्यूटिंग v माइनस वी जीरो बाई लैमडा, ओके। सो आई गॉट दी अपेरेंट लाइक एफ ए पी, बट वॉट इज लैमडा स्टूडेंट, वी आई सेड यू नीड टू रिमेंबर द इक्वेशन वन, हैव यू गॉट इन इक्वेशन वन फॉर लैमडा वी हैव लाइक एफ बाई, फॉर इक्वेशन वन फॉर लैमडा वॉट वी हैव, लैमडा इज इक्वल्स टू वी बाई एफ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, लैमडा हमेशा क्या होगा, वी बाई एफ हो जाएगा। तो आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस लाइक v माइनस वी जीरो बाई, इन प्लेस ऑफ लैमडा मैं क्या लिख दूंगा, v बाई एफ लिखूंगा। यहाँ पे आपको लिखना है सिंस लैमडा इज इक्वल टू v बाई एफ, ठीक है। यू माइट हैव से सर थोड़ा सा आप रश बता रहे हैं, तेज, ऐसा कुछ भी नहीं है स्टूडेंट, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेनली अब अपने पास क्या हो गया, फाइनल क्या हो जाएगा, एफ ए पी इज इक्वल टू, ये एफ को मैं उल्टा ले लूंगा रेसिप्रोकल, तो ये एफ उल्टा हो जाएगा, v माइनस वी जीरो बाई वी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी विथ रेस्पेक्ट टू दी ऑब्जर्वर एट y, जो y पे ऑब्जर्वर है उनके रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, ये फ्रीक्वेंसी अपेरेंट f a इज इक्वल्स टू f इंटू वी माइनस वी जीरो बाई वी। ये तो हो गया इसका। नाउ सेम इधर देखेंगे हम, यहाँ पे सेम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, ए एफ ए पी इज इक्वल्स टू वी ए पी बाई लैमडा, सेम एफ ए पी इज नथिंग बट वॉट इज एफ ए पी स्टूडेंट, वी, वॉट इज एफ ए पी इधर, हियर वी प्लस वी जीरो, सो आई एम प्लेसिंग लाइक वी प्लस वी जीरो बाई लैमडा एज इट इज। वंस अगेन यू नीड टू सब्स्टिट्यूट लैमडा वैल्यू, हियर लैमडा इज इक्वल्स टू वॉट वी हैव सब्स्टिट्यूट वी बाई एफ, ओके। इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट हियर सिंस lambda is equals to v by f, after substituting the lambda what will be the f a p here, same f into v plus v zero by v, so this is then apparent frequency for the observer at x, x ke paas jo observer hai usko aisa sunai dega। To ye v plus v zero ho raha, yahan pe v minus v zero ho raha, why because दिस ऑब्जर्वर गोइंग अवे फ्रॉम दी सोर्स, ये सोर्स से बहुत दूर दूर जा रहा, तो उसके लिए उसकी जो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। ये ऑब्जर्वर क्या हो रहा, सोर्स के नज़दीक आ रहा, तो उसकी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, प्लस में आ जाएगी। तो अब आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा उन्हें, वॉट इज डॉपलर इफेक्ट, ओके, एक्सप्लेन दी अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वर इन मोशन, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वर इन मोशन, वेयर एज सोर्स एट रेस्ट, सोर्स क्या रहेगा, रेस्ट पे रहेगा। तो उसके लिए आपको डेफिनेशन लिखना है डॉपलर इफेक्ट का, और ये जो आंसर है मैं अभी स्क्रीन पे डालता हूँ आपको, ये कंप्लीट आंसर आपको लिखना है। सेम केसेस को उन्हें फिरा के भी पूछता, सेम डिफाइन डॉपलर इफेक्ट या व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट बोल के, व्हेन दी सोर्स एट रेस्ट, सोर्स रेस्ट पे रहेगा, ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर दी अपियरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉपलर इफेक्ट। तो ये भी आपको इस तरीके से ही वो करेगा। तो फॉर दैट मैं आपको इसका क्वेश्चन और आंसर आपके स्क्रीन पे लगाता हूं। नाउ द टाइम टू सी दी क्वेश्चन एंड आंसर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। स्टूडेंट एंड ऑल द व्यूअर्स, फॉर टुडेज क्लास इट इज इनफ, आई विल गोइंग टू डिस्कस two more cases of Doppler effect in my next session, so make sure don't skip to watch my next part of this video. One more thing I'd like to tell you here is I want to revise the thing we have learned in this video. In this video what we have learned I want to revise. Here you can see we have learned about the reflection, okay, of sound, okay, reflection of sound, and we have learned something about the echo and reverberation. After that we moved towards the Doppler effect, okay. In Doppler effect what we have learned, like Doppler effect definition, okay,
apart from the definition, we have learned case 1, okay, case 2. Till now we have learned here. Now I will going to discuss two more cases in my next session. And one more thing I'd like to say about the reflection of the sound. I have to tell you, this reflection of sound is valid for the law of reflection also. That means जो हमारे पास लाइट के दो लॉस है, लाइट के दो लॉस है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, बल्कि लाइट में हम पढ़ते सेम लॉ साउंड के रिफ्लेक्शन के लिए भी अप्लीकेबल होंगे. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉस है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लॉस भी सेम साउंड के ऊपर अप्लीकेबल होते. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को लेके हमारे पास उतनी ज़्यादा टॉपिक नहीं है इंटर सेकेंड ईयर में. दैट्स वाई आई एक्सप्लेन यू ब्रीफली अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. नाउ डॉपलर इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डॉपलर इफेक्ट के बारे में हमको बहुत सारा ये इंटर की फिजिक्स में पढ़ना है. तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ इतना ही. आप होप यू अंडरस्टूड द थिंग विच वी हैव लर्न फॉर द टूडेज सेक्शन. वी विल गोइंग टू लर्न टू मोर केसेस ऑफ डॉपलर इफेक्ट इन अवर नेक्स्ट सेशन. सो टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट टाइम. दिस इज सैयद राशिद फ्रॉम अहलेबाद हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कोटला अलीजा हैदराबाद. You were learning about the intermediate second year physics wave chapter. If you have any doubt, you can ask the doubt in our Zoom meeting or on WhatsApp. So till then, take care, have a great time. Thank you.